अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से खास खबरों पर। दिल्ली कैंट के नांगल गांव के शमशान भूमि में रविवार शाम 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्ची की मां ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे बच्ची शमशान भूमि में लगे वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी और करीब 6:30 बजे शमशान भूमि का पुजारी राधेश श्याम ने उसे बुलाया और पुजारी और उसके कर्मचारियों ने बताया कि बच्ची की करंट लगने से मौत हुई है। बच्ची के होंठ नीले पड़े हुए थे और हाथ में जलने के निशान भी थे। बताया जा रहा है कि बच्ची को देखने के बाद उसकी मां ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने पोस्टमार्टम में अंगों की चोरी होने की बात कहकर घर वालों को डराया और बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। जब ये बात आसपास के इलाके में फैल गई, तब लोग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर एविडेंस इकट्ठे करवाए और बच्ची की मां के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पुजारी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। खबर आ रही है कि 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत होने की वजह से अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पीड़िता के परिवार से जाकर मिले। उन्होंने कहा जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ है वो काफी ज्यादा दुखद है, बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी और साथ ही इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए जाएंगे और इस केस में दिल्ली सरकार बड़े से बड़ा वकील भी लाएगी ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो पाए। और साथ ही केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार यानी आज सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर बात भी की और ये मुलाकात 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक चली। राहुल ने बताया कि मैंने परिवार से बात की और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी मदद की जानी चाहिए, जो हम वो करेंगे। और साथ ही राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उसे राजस्थान में दुष्कर्मों के मामलों का आंकड़ों के बारे में बताया। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई है। आगे संबित पात्रा ने ये भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी से कहा है कि रेप पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली में दलित की बच्ची से दुष्कर्म दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान के रेप पर वो चुप क्यों हो जाते हैं। पाता ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली के नांगल में नन्ही से बच्ची के साथ रेप हुआ वो काफी ज्यादा दुखद था, जिसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और इसमें से 4 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन रेप के मामलों में अगर राजनीति की जाए तो ये राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। दिल्ली पुलिस ने सागर धनगर हत्याकांड मामले में रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 170 पन्नों की चार्जशीट में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है। चार्जशीट में बताया गया है कि पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकर और दूसरों को डंडों, हॉकी और बेसबॉल के बैट से 30 से 40 मिनट तक पीटा था। धनकर और उसके 4 दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर 4 मई की रात को स्टेडियम में कुमार और दूसरों ने मारपीट की थी और बाद में सागर की मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में भी सामने आया कि सागर और उसके दोस्तों को दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों से किडनैप करके स्टेडियम लाया गया था, जिसके बाद गेट को अंदर से बंद कर लिया गया था और सुरक्षा गार्डों को वहां से जाने के लिए भी कहा गया था। इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने भी खुलासा किया कि कुछ आरोपी वहां बंदूक लेकर भी आए थे। उन्होंने पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी और इस बीच एक पीड़ित मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने पुलिस को फोन करके बताया, जिसके बाद वहां की पुलिस और पीसीआर वैन के कर्मी स्टेडियम पहुंचे थे। पुलिस ने चार्जशीट में अदालत से अलग अलग 22 धाराओं के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि जांच के दौरान अब तक इकट्ठे किए गए एविडेंस के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है। वहीं 155 गवाहों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिसमें से वो 4 लोग भी शामिल हैं जो इस विवाद के दौरान घायल भी हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की करने की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
बाहरी उत्तरी जिला की इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नरेला के कुरेनी गांव में चल रहे नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी नकली डिटर्जेंट पाउडर को नामी कंपनी सर्फ एक्सेल की पैकिंग में डालकर उसे दिल्ली और NCR में बेच रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री से 3000 से भी ज्यादा किलो नकली डिटर्जेंट पाउडर, काफी मात्रा में सर्फ एक्सेल का पैकिंग मटेरियल और 2 पैकिंग मशीन भी बरामद किए हैं। फैक्ट्री मालिक का नाम मुकेश बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले से कॉपीराइट एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। मुकेश ने भी बताया कि वो लंबे टाइम से कालाबाजारी के धंधे से जुड़ा हुआ है। उसकी नरेला में अनाज की भी दुकान है और वो सरकार से कम दाम में मिलने वाले अनाज का भी कालाबाजारी करता था। इसके बाद समयपुर बादली में भी फैक्ट्री खोली, जहां उसने नकली नमक बनाकर उसे टाटा नमक के पैकिंग में बेचता था। वहां से भी पुलिस ने उसे कॉपीराइट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अब वो नकली डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री चलाने लगा, जिसमें अलीपुर थाना पुलिस ने भी उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।